प्राइस के बारे में जरूर जानना चाह रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रज़ा अली और आप देख रहे हैं रज़ा अली फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं हूँ सबिहा गोकचन एयरपोर्ट इस्तांबुल पे, तो जहाँ से मैं जा रहा हूँ कोनिया सिटी जहाँ पर मौलाना रूमी का मज़ार शरीफ है और वहाँ पर हाज़िरी देनी है। इतनी चीप रेट पर टिकट मिली है ना, यकीन करें कि पाकिस्तान में भी इतने की बस की टिकट भी नहीं मिलेगी। 100 लीरा की डोमेस्टिक फ़्लाइट की इस्तांबुल से कोनिया, तो मैं जा रहा हूँ कोनिया सिटी। मेरे फ्रेंड भी वहाँ पे वेट कर रहे हैं, मेरी बोर्डिंग हो गई है। तो अभी चलते हैं, नीचे से कुछ खाते हैं, फूड कोर्ट चलते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना आपने, मैं आपको जो है ना पूरा जो है ना टूर आपको दिखाऊँगा कि इस्तांबुल से कोनिया सिटी तक कैसे जाया जा सकता है। वैसे तो कोनिया सिटी का जो एयरपोर्ट है वहाँ से भी टैक्सी लें तो तकरीबन 18 किलोमीटर का सफ़र है, वो भी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो मैं आपको जो है ना उधर की लोकल ट्रांसपोर्ट जो है ना उसके बारे में भी बताऊंगा। होटल तक का जो है ना इस वीडियो में मैं आपको पूरा आज जो है ना बताऊँगा। जी व्यूअर्स, तो डोमेस्टिक टर्मिनल पर जब आप चेक इन करते हैं तो एंटर होते साथ ही जो है ना ये फूड कोर्ट है, मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है यहाँ पर, और भी काफ़ी है। तो चलते हैं बर्गर किंग, यहाँ से खाते हैं कुछ। गेट नंबर 212 पे फ्लाइट है, ये मिल गया 212 यहाँ पे, खुल जाना पड़ेगा। तो ये मिल गया मेरा गेट 16F, सीट नंबर है, F16 नहीं है, 16F है। 2 मिनट रह गए गेट ओपन होने में, तो ये हमारा प्लेन खड़ा हुआ है, तो बाकी बातें फिर प्लेन में बैठ के करते हैं। ज़्यादातर जो है ना मुझे विंडो वाली सीट ही मिलती है, तो इधर भी देखते हैं। जी ये है, तो इस बार भी विंडो वाली सीट ही मिली है। ये ऊपर कबर्ड है, तो बैग रखते हैं ऊपर। जा रहा हूँ, नींद क्यों नहीं आई। तो खैर
फिर मैंने बड़ा सोचा यार नींद क्यों नहीं आ रही। असल में ना रात को मैंने बना के खाया पिज्ज़ा, तो एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज्ज़ा जो है ना मैंने बना के खाया, और वो भी लेट नाइट खाया, तो उसकी वजह से जो है ना मुझे नींद नहीं आई। वैसे पिज़्ज़ा मज़े का था, स्क्रीन पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अच्छा मैं ना यार रेसिपीज भी बनाता रहता हूँ, तो वो भी वीडियो अगर अच्छी लगे ना कमेंट्स में बता दिया करें, ठीक है। अगर कोई और रेसिपीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तरकीश या कोई और, तो उसके बारे में बताएं। अच्छा प्लेन जो है ना वो बिल्कुल न्यू है, तो फ्लाइट भी बड़ी स्मूथ है। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरा बैग जमा नहीं किया, क्योंकि अगर वो बैग जमा होता तो फिर मैंने उधर एयरपोर्ट पर उतर के वेट करना था, टाइम भी लग जाता है। तो हैंड कैरी का ये फ़ायदा होता है, छोटा वाला बैग वो आप लेके जा सकते हो, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं लेके जा सकते। तो छोटा बैग था वो मैंने पकड़ा, आराम से बाहर निकलूँगा और जो ना बस की सर्विस देखूँगा उधर कौन कौन सी चल रही है, तो अगर ट्रेन चल रही होगी वहाँ से तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। साथ ही रहिएगा आप। तो ये छोटा सा एयरपोर्ट है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ से बाहर निकलने को। तो अगर आपके पास लैगेज है तो उस पर आप वेट कर सकते हैं, फिर थोड़ा टाइम लग सकता है। तो लेकिन मेरे पास लैगेज नहीं था, तो हैंडबैग था, तो अगर हैंड कैरी भी हो ना तो वो भी जमा करवाना पड़ता है। तो मेरे पास हैंडबैग था छोटा, तो यहाँ से बाहर निकलते साथ ही राइट साइड पर आपके जो है ना बस भी खड़ी होगी और टैक्सी भी खड़ी होगी। तो बस जो होती है जैसे फ़्लाइट का टाइम होता है लैंडिंग का, तो बस ऑलरेडी खड़ी होती है, तो ये तकरीबन 15 लीटर लेती है। ये बस खड़ी हुई है, तो इस पर जो है ना कार्ड वगैरह टैग नहीं करते, इस पर आपको जो है ना वो कैश देना पड़ता है। जी व्यूअर्स, तो ये बस आपने देख ली 15 लीरे में जो है ना ये हमें उधर लेके जाएंगे मौलाना रूमी के मज़ार शरीफ में। होटल जो है वो पहले से बुक है, तो अभी जाके आपको होटल रूम भी दिखाते हैं कैसा है। अच्छा ये एयरपोर्ट से सीधा रोड आता है और ये जो है ना अभी एंटर हो गए हम, तो टैक्सी वाले के भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे क्योंकि रोड सीधा है और इधर ना तो इतना रश होता है। ये एरिया कोई इस तरह का इस्तांबुल की तरह नहीं है अप डाउन वाला, ये ग्राउंड एरिया सीधा सीधा सीधे सीधे रोड है, इसके ऊपर नीचे वाला सिस्टम नहीं है जैसे इस्तांबुल में। ये हमारा होटल है बालिक चलार इसका नेम है, और ये राइट साइड पर इसके जो है ना टैक्सी स्टैंड है, ये मज़ार शरीफ के बहुत ही क्लोज है। ये सामने जो आपको मॉस्क नज़र आ रही है इसकी बैक साइड पे मज़ार शरीफ है हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का, और सामने वाली साइड पे इस साइड पे कब्रिस्तान है, और ये बिल्कुल जो ना सेंटर पॉइंट है ये। और अभी आपको मैं अंदर से भी दिखाता हूँ होटल, ये होटल की एंट्रेंस है, ये लेफ़्ट साइड पे जो है रिसेप्शन है, और यहाँ पर आपको करेंसी एक्सचेंज भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे रेट्स लिखे हैं इसके। और आपके राइट साइड पे जो है होटल की लॉबी है, ये हॉल है ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। और
ब्रेकफास्ट की जो टाइमिंग है वो सुबह 6 to 10 o'clock तक है, तो ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूड है इसमें। तो ये है मेरा होटल रूम, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक की है और ये इसका किया एंटर। अच्छा, उसके बाद की को लगाया इधर और लाइट्स जो है ना वो ऑन हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले एंटर होते साथ ही जो है ना राइट साइड, सबसे पहले एंटर होते ही राइट साइड पे जो है ना वो वॉशरूम है। ये यहाँ पर आप शॉवर ले सकते हैं, ठीक है, ये टैप है टॉयलेट। अच्छा, ये शॉवर के बाद टॉवल यूज करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर ये टिश्यू पड़े हैं, ये ड्रायर है और ये जो है ना ये शैम्पू है और ये जेल है, ये शॉवर जेल है और ये सोप है, ठीक है जी। बेलिक चिलार ये होटल का नाम है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर फोन यहाँ पर भी लगा हुआ है, अगर कोई आपको कॉल कर रहा है तो आप टॉयलेट में भी फ़ोन सुन सकते हैं, ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट डोर को कर देते हैं क्लोज। मेरा रूम नंबर 315 को किया क्लोज। उसके साथ ही ये कबर्ड है, इसको खोलते हैं। ये हैंगर लगे हुए हैं कपड़ों के, और ये जो है ना ये लॉकर है, कोई कीमती सामान है और आप इस पर रख सकते हैं। और इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे जो है ना वो विंडो है। अच्छा, जो यहाँ की विंडो होती है ना वो दो साइड से ओपन होती है, एक तो ये ऐसे इस तरह से ओपन हो गई और दूसरा इसको ऐसे ऊपर करेंगे और ऐसे खींचेंगे। अगर आप हवा के लिए थोड़ी सी कम हवा चाहते हैं तो ऐसे ही ओपन होगी। तो अभी फ़िलहाल इसको करते हैं क्लोज। अच्छा जी, ये इधर बैग रखने के लिए और ये आपका लेफ्ट साइड पे ये फ़ोन है और ये एसी का रिमोट है और ये एलईडी का रिमोट है। ये इसको करते हैं ऑन। अच्छा, तो ये है एसी, एसी को कर देते हैं ऑन। और इसके साथ ही नीचे एक छोटा सा फ्रिज है और फ्रिज के बीच ये टी है और ये जूस है, पीच का, फंटा, कोक, स्प्राइट और वाटर। इसको कर देते हैं क्लोज। ये स्टिकर लगा हुआ है और ये जो है टी का सामान है। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं ये स्टिकर इन्होंने क्यों लगाया है। ये इधर एक प्लेट लगी है, इसके ऊपर प्राइजेज लिखी हैं और ये फ्री में नहीं है ये चीज़ें जो है, ये इसके ऊपर प्राइजेज लिखी हैं, ठीक है। तो ये इधर एक्सपेंसिव पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि ये होटल वालों ने अरेंज किए थे कि आपको बाहर ना जाना पड़े, ये भी एक सहूलत है। और ये एलईडी जो है ये ऑन हो गई। इसके बाद ये मेरा बेड है, सिंगल बेड मैं वन पर्सन के लिए लिया है, मेरे फ्रेंड ने अलग से रूम लिया, मैं अलग से। और ये साइड पे जो है ना ये मिरर है। अच्छा, ये जो है ना ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये जो तुर्की में रहते हैं यूरोप साइड में रहते हैं उनको पता ही है क्या है, ये है हीटर, ठीक है। इसको इस साइड से बस ऑन करना होता है, ठीक हो गया। इसके बाद ये साइड पर भी लाइट्स हैं, ठीक है,
कम लाइट चाहते हैं अगर सोते वक्त। अच्छा जी, ये ड्रॉ है एक, इसमें ड्रॉ में जनाब बटन, सुई, धागा और ये पिन, ठीक है, ये रखे अगर किसी का बटन वगैरह टूट जाए तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी कर देते हैं। तो ये है जी मेरा छोटा सा रूम सिंगल पर्सन के लिए। बाहर का व्यू भी आपको दिखा दूँ वहाँ से, रात के टाइम तो नज़र नहीं आ रहा था कुछ। अच्छा, विंडो का मैं आपको बता रहा था कि टू स्टेप है इसके ना ओपन होने के, एक तो इस तरह से ओपन होती है और एक इसको इसको ऊपर को करें और ये देखिए यहाँ से, ये इसका जो है ना बाहर का व्यू है होटल का। जी व्यूअर्स, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि कल रात भी सोया नहीं था, तो अभी फ्रेंड के साथ बाहर गया था। मैंने कहा चलो होटल का आपको जो है ना वो दिखा देते हैं, रूम भी अपना और जनाब। अच्छा, और दूसरी बात, आप इसकी प्राइस के बारे में ज़रूर जानना चाह रहे होंगे। इसकी जो ऑनलाइन जो है ना booking.com से 16 यूरो, ठीक है, 16 यूरो में पर नाइट ये आपको मिलता है। और उसके अलावा विद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के साथ जो है ना आपको 16 यूरो का मिलता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको ऊपर शो हो रही होगी, रजाली फैंस के नाम से विदाउट स्पेस, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक सबके माल, जान, औलाद, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।